काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्नकूट को लेके 30 कुंतल का 56 भोग आज लगा हुआ है। मानपुरा के जो मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ जो काशी जी थी वो अन्नपूर्णा माता से भिक्षा लेने गए थे, तो आज उसी के पर्व पर अन्नकूट पर्व पे जो है आज यहाँ पे ये लगा हुआ है। यहाँ पे अन्नकूट का जो 56 भोग लगा है बाबा विश्वनाथ का, आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाबा विश्वनाथ के जो 56 भोग यहाँ पे लगे हुए हैं, किस तरह से पूरे मंदिर को सजाया गया है। और यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें भी भक्त गांव दूर दूर से दर्शन करने यहाँ पे आए हैं। बाबा को जो प्रसाद चढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, जो अन्नकूट में ये भोग लगे गए हैं, ये भोग कल भक्तों के लिए वितरित किया जाएगा। हमारे साथ तो जो गुरु जी हैं उनसे बात करेंगे। गुरु जी, क्या है आज जिस तरह से पर्व बड़ा भव्य मनाया जा रहा है? हम सभी लोग का परम सौभाग्य है, काशी जो भगवान विश्वनाथ की राजधानी, काशी मैंने स्वयं ज्ञान ज्ञान का प्रकाश, ऐसे काशी में जहाँ पर अन्न की अधिष्ठात्री माँ अन्नपूर्णा देवी हैं, भगवान विश्वनाथ जी स्वयं उनसे भिक्षा मांगते हैं, भिक्षां देही च पार्वती, उसी क्रम में आज जो है जब हम देखते हैं कार्तिक प्रतिपदा के दिन आज हमारे यहाँ बीते 5 दिनों से भव्य दीपोत्सव का महोत्सव चल रहा था, आज कार्तिक प्रतिपदा के दिन ये अन्नकूट का विशेष महत्व हमारे यहाँ बोला गया है, क्योंकि वेद हो, शास्त्र हो, हमारे पुराण हो, हर जगह अन्न को प्रधानता दिया गया है। हम आम जीवन में हम जब लेते हैं तो अन्न के लिए हम सब कार्य करते हैं, अन्न नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आज का जो विशेष पर्व है अन्नकूट का महोत्सव है, इसका एक ही संकल्प है, अपने अपने ग्रह में पूरे भारतवर्ष में अन्न की कमी न हो, अन्न की वृद्धि हो, अन्न की जहाँ वृद्धि होगी वहाँ धन धान्य समृद्धि सभी की वृद्धि होगी। हम अन्न का महत्व कृषि से भी छोड़ सकते हैं, वहीं से अन्न की उत्पत्ति होती है, अगर अन्न जितना उत्पन्न होगा धन धान्य की वृद्धि होगी, इसलिए अन्नकूट का विशेष हमारे यहाँ महत्व बताया गया। भोग लगाए गए बाबा की जिस तरफ से आज ये प्रातःकाल से लोग दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, रात्रि में 11:30-11 बजे तक होगा, कल प्रातःकाल से 6 बजे के बाद जितने भी हमारे भक्त लोग आएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से सभी को ये प्रसाद वितरण किया जाएगा। लंबे समय से काफी भव्य मनाया जाता है, विश्वनाथ की नगरी भी मानी जाती है। तो ये देखिए, जब से हमारा ये काशी विश्वनाथ धाम बना हुआ है हम देख सकते हैं कि काशी में प्रतिदिन लाखों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। ये पर्यटक एक ही चीज़ को देखने हैं, जो भव्य निर्माण हुआ उसको देखने के लिए आ रहे हैं, माँ गंगा में स्नान करते हैं, भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, माँ अन्नपूर्णा जी का दर्शन करते हैं। तो उसी क्रम में जो जो पर्व आ रहा है काशी में, लोगों जो बाहर हमारे काशी के बाहर होते हैं उन लोगों को सुनता है, नया भव्य धाम बन गया है, तो पर्व में हम जाते हैं तो गंगा में स्नान भी हो जाएगा, भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन भी हो जाएगा, माँ अन्नपूर्णा जी का दर्शन भी हो जाएगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि इस समय जब से भव्य धाम बना है प्रतिदिन लाखों की संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, शनिवार रविवार को देखेंगे तो 2 से 3 लाख की संख्या में आ रहे हैं। आज अन्नकूट का महोत्सव बीते 5 दिन में जो भव्य अन्नपूर्णा जी का दर्शन हो रहा है, विश्वनाथ जी में दर्शन हो रहा है, 7 लाख के ऊपर संख्या में लोग दर्शनार्थी आ चुके हैं। आज भी हम देखेंगे तो 2 लाख के ऊपर अभी भी दर्शनार्थी प्रातःकाल से दर्शन कर रहे हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है उसको हम पकड़ के रहेंगे तो आर्थिक स्थिति भी हमारी मजबूत रहेगी। इससे हमारे जो भी पर्व हैं बहुत ही विशेष बताए गए हैं, और काशी तो 365 दिन यहाँ ज्ञान का प्रकाश, काशी में ज्ञान का प्रकाश 365 दिन यहाँ पर्व है, पर्व का उत्सव हम लोग मना रहे हैं। इससे जो अन्नकूट है भगवान विश्वनाथ जी माँ अन्नपूर्णा जी, हम प्रार्थना करते हैं सभी के ग्रह में धन धान की समृद्धि हो, अगर धन धान की समृद्धि रहेगी तो अन्न की समृद्धि रहेगी, तो वहाँ धन धान भी समृद्धि होगी, आरोग्य की भी समृद्धि होगी, इतना विशेष हमारे यहाँ बताया गया अन्नकूट का महत्व। तो ये जो अन्नकूट का महत्व जी है, 21 क्विंटल से आया प्रसाद है ना, प्रसाद प्रसाद है जा रहा है। आप काशी कॉरिडोर को देख रहे हैं, कॉरिडोर है खूब भव्य तरीके से सजाया गया है, लंबी कतारें हैं लोगों की, दूर दूर से भक्त यहाँ पे आज के दिन दर्शन करने आते, काफ़ी मान्यता भी है कि माता के जो यहाँ पे जो दर्शन करते हैं लोग, इसके बाद आज कल इन लोगों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। अवेंद्र प्रताप सिंह, टोटल न्यूज़, वाराणसी।